हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्पीड अप। आज स्टार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सर्विस सब ऑर्डिनेंस सिलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी आया है 1477 वैकेंसी का। हम उसकी एग्जाम डेट, परीक्षा तिथि के बारे में बात करेंगे, उसकी एग्जाम डेट कब होने वाली है, इस एग्जाम डेट के बारे में पूरा बात करेंगे। और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, हमें कमेंट करते रहते हैं, मैसेज बताते रहते हैं कि कब सर एग्जाम होगा, एग्जाम को लेकर काफी टेंशन में रहते हैं कि कब एग्जाम हो सकता है, कभी चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, चुनाव होता है, इस तरह की सिचुएशन आती रहती है और स्टूडेंट बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो पढ़ाई कैसे कर रहा है। इस तरह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं, एग्जाम डेट का एक्सपेक्टेड डेट लेकर आए हैं कि उम्मीद है कि एग्जाम इसी अंतराल के बीच में होगा। जो इंटरवल हम बताएंगे आपको डेट का और मंथ का जो इंटरवल होगा, जो ड्यूरेशन बताएंगे, उसी बीच में एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तभी आपका हौसला बढ़ेगा पढ़ाई का और आपको एक से अच्छे अच्छे वीडियो दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस 6 से 8 घंटे हमारी लाइव क्लासेस बराबर चल रही है। स्टार्टिंग हमारी जीके से होती है, फिर इंग्लिश होती है, फिर हमारी रीजनिंग भी होती है, मैथ होती है, हिंदी होती है, कंप्यूटर होती है और फिर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो हम आपके सामने 8 से 9 क्लासेस लाइव लेकर आ रहे हैं, तो आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म है ये स्पीड अप, आपको कहीं और नहीं जाना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, यूनिक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम डेट की, लेके चलते हैं अपने राहुल सर के पास। हेलो दोस्तों, जहां तक हमारे पास बहुत सारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मेल आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपकी जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपको लगता हो, क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे मैसेज आए, मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप है कि सर इसका एग्जाम डेट क्या होगा, कोई बोल रहा है कि दिसंबर में हो जाएगा, आप बहुत जगह देखेंगे तो लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा। देखिए दिसंबर का 19-20 तारीख आ चुका है और एग्जाम अभी तो हुआ नहीं है, तो दिसंबर में तो नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत लोग बता रहे हैं जनवरी में होगा, तो जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि देखिए इलेक्शन भी है, 2019 में इलेक्शन भी है, लेकिन उससे पहले पहले आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है और इलेक्शन होने की एग्जाम होने की जो डेट है वो उम्मीद है कि फरवरी या मार्च के बीच में हो जाएगा आपका, जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि फरवरी के एंड में, ठीक है, और मार्च के स्टार्टिंग में, ठीक है, आपके एग्जाम डेट होने की पूरी संभावना है कि आपकी फरवरी, कुछ लोग बोले जनवरी स्टार्टिंग हो जाएगा, अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है, कहां से एग्जाम हो जाएगा, बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप बहुत लोगों को चक्कर मत पड़िए, आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है, अभी आपके पास पूरे पूरे 2 से 2.5 महीने लगभग है, तो 3 महीने भी मिल सकते हैं और एग्जाम होने की फरवरी एंड में या तो मार्च के स्टार्टिंग में होंगे, इससे पहले एग्जाम नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास पूरे 3 मंथ है, आप अच्छे से मेहनत करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का, जो रजत सर ने भी अभी बताया कि जो भी नॉनटेक है, हिंदी, इंग्लिश और जीके, उसके बाद मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस, सारे के लगभग सारे लेक्चर हमारे लाइव क्लासेस 8-8, 10-10 घंटे चलते हैं, आप लोग ज्वाइन करिए और उसके सारे वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, सब कुछ करिए। अब आगे रजत सर आपको कुछ बताएंगे। आपके पास जैसे बताया राहुल सर ने, फरवरी और मार्च का टाइम है, तो मैं आपको बताता हूँ डेज में 70 डेज का टाइम है आपके पास, 70 डेज का, ठीक है, ये टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है। अगर आप आज से स्टेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अपनी, तो क्या होता है, आप 70 दिन का टारगेट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई सिविल का स्टूडेंट है, 70 दिन का टारगेट करते हैं, सिविल आपका टेक्निकल पोर्शन है और नॉन टेक आपको स्पीड अप है, हिंदी, रीजनिंग सारा अवेलेबल है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। 70 दिन का टारगेट बनाइए, जिस एग्जाम, जिस रूम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की, उस एग्जाम में, उस सेंटर में, अपने मतलब रूम में, एक सेंटर पे आप कहीं पर भी लिख दीजिए मात्र 70 दिन, लिख दीजिए वहां बड़ा बड़ा मात्र 70 दिन, जो बदल देगा हमारी जिंदगी। क्या लिखते हैं, मात्र 70 दिन का समय बचा है जो आपका भविष्य को बदल सकता है, आपके भविष्य को उजागर कर सकता है, अंधेरे से उजाले में ला सकता है आपको, ठीक है। तो 70 दिन का मात्र समय बचा है, इसको लिखिए आपको और काउंटडाउन स्टार्ट करिए 70, 69, 68 और एक दिन आप एग्जाम डेट के पास पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, एग्जाम डेट आप काउंटडाउन स्टार्ट कर लीजिए कि आपके दिन कम हो रहे हैं, एक एक दिन कम होता जाएगा, आप आखिरी में एग्जाम डेट तक पहुंच जाएंगे। हमारा पर्पस है आपको बताना, सही डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि स्टूडेंट भटक रहे हैं इस टाइम, इतने ज्यादा कमेंट, इतने ज्यादा रिप्लाई, हम लोग भी परेशान हो गए कि स्टूडेंट इतना परेशान क्यों है। तो आपको एग्जाम डेट है आपकी फरवरी और मार्च, फरवरी का एंड और मार्च का स्टार्टिंग, मतलब मार्च का फर्स्ट वीक होगा, तो आप में टोटल 70 दिन का समय है, जैसा अभी हमने बताया आपको, 70 दिन आपको मात्र फोकस करना है और ये 70 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपको भी बताया कि यूपी ट्रिपल एससी जे की वैकेंसी के बारे में आप अच्छे जानते हैं, जो उनका सिविल का होता है वो पीडब्ल्यूडी के बारे में अच्छे से जानता है क्या होता है। तो ये थी एग्जाम डेट हमारी, और अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है
नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो एग्जाम स्ट्रेटजी होगा, एग्जाम की रणनीति के बारे में होगा कि एग्जाम की रणनीति कैसे बनाएं और इस सप्ताह में आपकी पढ़ाई कैसे करनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या पढ़ना है आपको, ये पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने एग्जाम डेट के बारे में बताया है कि फरवरी एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में होगा, जैसा कि हम लोग की स्पीड अभी टीम है उन्होंने पूरे अच्छे से एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, और जहां तक उम्मीद है कि जहां तक हम लोग की पहुंच है ईपीडब्ल्यूएससी जेई तक, ईपीडब्ल्यूएससी तक हम लोगों ने अंदर की बात पता लगाई है और उनसे पूरी बात डिस्कस करके ये चीज निकाला हुआ है कि ये फरवरी से पहले जनवरी में एग्जाम कभी जिंदगी में नहीं करा सकते। ठीक है, जहां तक एग्जाम होगा फरवरी के एंड में मार्च के स्टार्टिंग होगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी डबल एआई का कोर्स कराया था उसमें हम लोगों ने बताया था एग्जैक्टली कि नवंबर के लास्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, स्पीड अभी टीम ने इसको पूरा रिसर्च किया था। ठीक है, जहां तक और इस अगर डबल एआई तक भी हम लोग थोड़ा बहुत पहुंच के वहां से जो बात किए थे हम लोग को पूरा लोग बता रहे थे सितंबर या अक्टूबर में एटलीस्ट हो ही जाएगा, लेकिन हम लोगों ने बताया था कि इतने लोगों के कमेंट आए थे आप जाके कमेंट के नीचे देख सकते हो, हम लोगों ने बताया था कि नवंबर के लास्ट में एग्जाम होगा और 30 नवंबर को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसमें बता रहे हैं कि एग्जाम डेट के बारे में हम लोग का जो एग्जाम होगा पूरी उम्मीद है फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में होगा। आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट लेके आप जैसे सर ने बताया कि आप लिख लीजिए कि मात्र 70 दिन बचे हुए हैं, जहां जहां टेबल हो आप लगा के रख लीजिए। ठीक है, आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, यही जिंदगी बनाने का मौका है। ठीक है, एक लाइन में बोलना चाहूंगा, या तो खुद को बना लो या तो बहाने बना लो। जिंदगी में दोनों चीज नहीं बना सकते, बहाने बना लो, खुद को बना लो, नहीं बना सकते। जो खुद को बना लेते हैं उसको बहाने बनाने की जरूरत नहीं होती, जो बहाने बनाते हैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा जिंदगी में मेहनत करो और संघर्ष करो, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जो आपके अंदर आग लगी हुई जो सीने में, एक हम लोग के अंदर स्पीड अप टीम के अंदर जो आग लगी सीने में, वो ये आग आप लोग के अंदर जलानी है और इसको एग्जाम के लास्ट डेट तक ले जाना है। एक भी दिन के लिए आप हार मत मानिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई एग्जाम डेट के बारे में। आपको बहुत जगह से बातें मिलेंगी कि एग्जाम डेट हो सकता है दिसंबर में बता रहे हैं हम लोग। अभी मेरा बहुत सारे मैसेज आए कि दिसंबर के लास्ट में है। भाई दिसंबर के लास्ट में कैसे एग्जाम करा सकते हैं, अभी एडमिट कार्ड तक नहीं आया है। तो ये एग्जाम फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले नहीं होगा। और जो सिलेबस है हम लोग की स्पीड अप टीम हर दिन 8-8, 9-9 घंटे क्लासेस चल रही है, तो हम लोग को पूरा सिलेबस पूरा करा जाएगा। पूरे अच्छे से देखिए और पूरे अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आपको पूरा बताया। देखिए अभी ये ठंड का वक्त चल रहा है, ठंड के वक्त पढ़ाई करना भी मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ ठंड इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा ठंड होती है कि आपको पढ़ना बहुत मुश्किल, नींद बहुत आती है। तो यही सबसे संघर्ष का वक्त है। 70 दिन आपको कैसे निकालने, संघर्ष का वक्त है आपको 70 दिन कैसे निकालने हैं, और 70 दिन में ही आपको नौकरी पानी है, क्योंकि इस नौकरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज के टाइम में कंपटीशन की वैल्यू आप समझते हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया। एक एक पे 100-100 स्टूडेंट है, एक एक पोस्ट पे 1000-1000 स्टूडेंट है, एक एक 1000 स्टूडेंट एक एक पोस्ट पर है इस समय। सोचिए आपको 1000 स्टूडेंट्स में एक को कम्पीट करना कितनी बड़ी बात है। इस टाइम कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज्यादा टॉप पे पहुंच चुका है, तो इस कॉम्पिटिशन को कम्पीट करने के लिए और इस कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए, अपने आप की एक पोस्ट हासिल करने के लिए आपको मेहनत उन 1000 में उन 5000 विद्यार्थियों से ज्यादा करनी होगी। अगर वो 4 घंटे पढ़ने तो आपको 18 घंटे पढ़ के आपको नौकरी लेनी होगी। आपको पढ़ना सिर्फ 70 घंटे है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि आपको बस ये 70 दिन आपका टारगेट होना चाहिए, मात्र 70 दिन। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना तो आप स्पीड हो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आपको कोई भी सब्जेक्ट की हिंदी इंग्लिश किसी भी टाइप की दिक्कत हो पर्सनली बताइए आप हमको, हम आपको पर्सनली सॉल्व करेंगे, पर्सनली आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पीड हो। तो स्टूडेंट 70 दिन की बात कर रहे थे, अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट आपके, हमने गूगल फॉर्म दिया हुआ है। गूगल फॉर्म हमारे लास्ट वीडियो हमने पूरा, आप वीडियो देखेंगे आप प्ले लिस्ट गूगल फॉर्म अवेलेबल है। गूगल फॉर्म वहां पे अपने आप डेटा भरेंगे तो आपको एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, क्विज, जितने भी क्वेश्चन है आपका, रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग, हिंदी का अलग, और जीके का अलग, इंग्लिश का अलग, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का अलग अलग टेस्ट हमने बना रखा है। ठीक है, तो आप वहां पर टेस्ट को अपियर कर पाएंगे, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जब टेस्ट आप अपियर करेंगे तो उसके बाद आप जब वहां पर डेटा फिल करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका होगा। उसमें हम क्या करेंगे, जब भी एग्जाम डेट आएगी या एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कोई भी लेटर आएगा, तो वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। UP SSSC से पहले हम आपके पास लेकर आएंगे। जैसे वहां पर नोटिफिकेशन आएगा हमारे पास आएगा, हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो उससे बहुत सारे फायदे हैं, दो फायदे हैं। एक को आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विज मिलेगा, पीडीएफ फाइल मिलेगी, और आपको लाइव टेस्ट मॉक टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप पूरे यूपी में जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है UP SSSC का, आप उनके साथ कंपटीशन फील करेंगे। एग्जाम से पहले आपको कंपटीशन फील होगा कि लड़कों का लेवल क्या है, कौन कौन से लड़के किस तैयारी कर चुके हैं। जब आप टेस्ट देंगे तो आपकी जो रैंकिंग होगी ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर UP SSSC स्टूडेंट में भरा हुआ है,
जहां भी किसी भी स्टेट के स्टूडेंट होंगे हम आपको कॉम्पिटिशन वहां पर क्रिएट करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप उस गूगल फॉर्म को भरें जो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, फॉर्म को भरें और अपनी एक इन्फॉर्मेशन कंफर्म करें कि कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा। तो दोस्तों आप जैसा कि रजत सर ने बताया कि गूगल फॉर्म को जरूर भरिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे देखेंगे सबसे ऊपर गूगल फॉर्म होगा, आप उसको जल्दी जल्दी भर लीजिए और अपने सारे दोस्तों साथ शेयर कर लीजिए उसको फॉर्म को भर के। आप लोगों को इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्विज मिलेंगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल लाइव पे जैसा सर ने बताया। और हमारे पास लगभग जो 3 महीने का टाइम है पूरे अच्छे से हम लोग लेक्चर के साथ साथ ये सब भी काम करके तब हम लोग सिलेक्शन पाएंगे जो फरवरी और मार्च के एग्जाम में, जो फरवरी और मार्च के बीच में हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम वीडियो को इसी पे यहीं पे बंद करते हैं, अब हमारे साथ देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।